राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना के चलते नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को 3 महीने के लिए टाल दिया है। वहीं इस विषय पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है और कांग्रेस चुनाव की तारीख को लेकर जबरन बीजेपी पर दोष देती रही है। साथ ही कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली पर कहा कि कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकाल रही है, यह उसका खुद का प्रदर्शन है, इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। जिस किसान बिल को कांग्रेस खुद लाना चाहती थी उसे बीजेपी की सरकार लेकर आई तो अब विरोध करने लगे हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। चुनाव टलने की जो परिस्थितियां हैं वो हम सबके सामने है, कोरोना काल है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के निर्वाचन आयोग निर्णय करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 28 चुनाव लड़े हैं, तो उससे कांग्रेस को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जीवंत संगठन है। ये कोई कांग्रेस जैसा संगठन नहीं है कि गुटों में बटा हुआ, व्यक्तियों में बटा हुआ। ये पार्टी का संगठन है, यहाँ निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं। हम लोग हमेशा 12 महीने इलेक्शन बोर्ड में रहते हैं। कल विधानसभा ट्रैक्टर रैली भी लेके जा रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है, इसमें किसानों की कोई सहभागिता नहीं है। प्रदेश में किसानों का इनको कोई समर्थन नहीं मिला है। ये तो सिर्फ विरोध करना है मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए विरोध के रूप में ये कर रहे हैं। ये तो खुद ही 2019 के मैनिफेस्टो में इसको लेके आना चाहते थे। मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, राहुल जी हमेशा ये कहते थे कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें आना चाहिए। तो अब ये सिर्फ दिखावा कर रही है कांग्रेस किसानों के नाम पे, और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।